सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित 7A-side फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर भारत के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने सभी टीमों को प्रतियोगिता में एकता की भावना से खेलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल सभी के जीवन में अहम स्थान रखते हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। सोलन के ठोडो मैदान में चल रही 7A-side फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर भारत के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सोलन के विधायक धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सभी टीमों को प्रतियोगिता में एकता की भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल सभी के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि वे आज देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास वे सुविधाएं नहीं हैं जो उनके पास होनी चाहिए, लेकिन वे समय समय पर खिलाड़ियों की इन कमियों को दूर करने का प्रयास करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष दिन रात खेलने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को 5 लाख की फ्लड लाइट्स प्रदान की थी, जिसकी रोशनी में आज ये मैच हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह खिलाड़ियों के हितों में वे काम करते रहेंगे। मैं देख रहा हूँ बच्चों को खेलते हुए कुछ सुविधाओं की कमी है। जब मैं पिछली बार आया तो मैंने इनको 5 लाख रुपए लाइट के लिए दिए थे और अभी भी मेरा देखना है कि मैं जब बजट को देखने के बाद चाहता हूँ जो और सुविधाओं में कमी है उसको पूरा किया जाएगा और मैं अवश्य देखूँगा कि किस प्रकार की जो कुछ कमियाँ मुझे नजर आ रही हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। और मैं एक बार फिर यहाँ के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके इस काम पे जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे युवाओं को इस प्रकार की गतिविधियों में लगे रहना चाहिए और यही मैं समझता हूँ कि हमारी सही काम करने की प्रक्रिया होगी। और एक बार फिर यहाँ के जितने भी हमारे आयोजनकर्ता उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।